सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो है गाइज, अभी हमारा टाइम हुआ है 6:34। सो गाइज, हम लोग आए हैं यहाँ पे बैंगणिया नदी के पुल के ऊपर। दिखाता हूँ मैं ये कौन सी वाली नदी है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं नदी कितनी बड़ी है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये नदी कितनी ज़्यादा बड़ी है, और हम इस पुल के ऊपर है। ये पुल भी बहुत ज़्यादा बड़ा है यार, अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन का काम बन नहीं हुआ है, अब इसका काम स्टार्ट ही है। लेकिन गाइज, हमें यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए परमिशन मिल चुके है। तो गाइज, हमारे 3 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, इसके लिए हम दिल से सॉरी बोलते हैं, क्योंकि यार टाइम नहीं मिल रहा था कॉलेज आने के बाद। तो गाइज, आपको उस साइड का कैमरा करके दिखा रहा हूँ कि नदी कितनी बड़ी है। तो गाइज, ये नदी बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा कि जब पिछली बार यहाँ पे बाढ़ आई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था, यानी कि इतना ज़्यादा पानी भरा था कि आप लोगों को क्या बताऊँ, अब यहाँ पे कोई सुराग भी नहीं बचा है गाइज। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भरा था गाइज यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, लोग यहाँ पे नहाने के लिए भी आ रहे हैं। अच्छी नदी है यार, हमारे गणपति विसर्जन की ये सबसे बेस्ट नदी है, बैंगणिया नदी। अब आपको इस साइड का फोटो दिखा रहे हैं। तो गाइज, ये इस साइड की फोटो है जहाँ से हम लोग गणपति विसर्जन करते हैं गाइज। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक का भी आना जाने रहता है, क्योंकि ये बड़ा वाला पुल अभी तैयार नहीं हुआ है। बहुत अच्छी नदी है गाइज, आप लोग देख सकते हैं ये। यहाँ पे लाइटिंग वगैरह सब कुछ रेडी है, क्योंकि थोड़े ही दिन के बाद गणपति विसर्जन की भी तैयारी होने वाली है गाइज। ये एक टूरिस्ट प्लेस जैसा भी है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग घूमने के लिए आया करते हैं, हमारे जैसे लोग। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा पुल यानी कि खाली है, अभी बन रहा है यार, इसीलिए खाली पुल है ये। गाइज, मुझे डर लग रहा है नदी के पास शूटिंग करने के लिए, मोबाइल गिर गया था कर, लेकिन फिर भी शूटिंग कर ले रहे हैं। गाइज, इस पुल के काम की वजह से ये सब हुआ है, यानी कि ये जो आप लोग देख सकते हैं ये मिट्टी जैसा, ये पहले नहीं था, लेकिन ये इस पुल के कारण ही हुआ है। गाइज, बहुत बढ़िया नदी है गाइज, यानी कि मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है आने को। यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर भी है, वो देख रहे हैं आप सामने, महादेव जी का मंदिर। यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग भी सब कुछ अच्छा है गाइज, आप भी कभी आए यहाँ पे घूमने के लिए। तो गाइज, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, शाम का समय है इसीलिए सब कुछ काला काला दिख रहा है। सो गाइज, मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं कॉलेज से फ्री होता हूँ तो अक्सर यहाँ पे आया करता हूँ, और यहाँ पे क्रिकेट वगैरह का भी शो चल रहा है, वो उसकी तस्वीरें आपको बाद में दिखाऊंगा अगले वाले ब्लॉग में। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।